नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज हम एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन Xiaomi की X सीरीज जो 2024 में लॉन्च हुई है एंड द व्यू ग्लोलेड मॉडल 2025 है बट लॉन्च 2024 में हुआ है। देर आर अ फ्यू रीजंस एज टू व्हाई मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ। नंबर वन, प्राइस एकदम सेम है ड्यूरिंग द सेल टाइम। नंबर टू, दोनों ही एक रेप्यूटेड बजट ब्रांड्स है, यानी Xiaomi हैज बिन इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम और व्यू फ्रॉम द बजट ब्रांड्स बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग्स देते हैं एज फार एज टेलीविजन को। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस एज टू व्हाई आई एम कंपेयरिंग देम। और दोनों 2024 वाले मॉडल्स हैं ऑब्वियसली, सो एकदम ब्रांड न्यू मॉडल्स हैं, इसीलिए ये कंपेरिजन कर रहा हूँ। अब देखिए, मैंने व्यू की ग्लोलेड 2025 को सैमसंग के विविड प्रो से भी कंपेयर किया है, उसका हैंड्स ऑन रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसे डाल दूंगा, सो प्लीज चेक दैट आउट अगर आप इसे कंपेयर करना चाहते हैं विद सैमसंग की विविड प्रो सीरीज, तो वो जरूर देखिएगा। नाउ अभी मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूं और इस कंपैरिजन को शुरू करने के पहले दो डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर नंबर वन, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है, इनफैक्ट कंपैरिजन वीडियो है जहां पे मैं दोनों ही टेलीविजन की कंपैरिजन करूंगा बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, आप मेरी व्यू ग्लोलेड 2025 की हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देख सकते हैं जो मेरे चैनल पे है, हैंड्स ऑन है वो बाय द वे, वरना आप इस वीडियो से निकल जाइए, ये वीडियो आप मत देखिए क्योंकि ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। दूसरा डिस्क्लेमर, जो भी प्राइस आप अभी देख रहे हैं, सेल चल रहा है तो प्राइस चेंज होते रहेंगे, शायद इससे ऊपर भी जा सकता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने ये प्राइस डाला हुआ है तो यही प्राइस पे आपको मिलेगा। तो ये दो डिस्क्लेमर मार दिया, मैं इस वीडियो पे उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर लें, दोनों में ऑलमोस्ट बराबरी की टक्कर है, बस कुछ चेंजेस है, कपल ऑफ चेंजेस। सबसे पहले तीन HDMI पोर्ट्स दोनों में, HDMI 2.1 का सपोर्ट भी है, तो इसका मतलब है ERC का सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आपके पास Dolby Atmos साउंड बार है, आप उसे ERC के द्वारा कनेक्ट करके एंजॉय कर सकते हैं। दोनों ही टेलीविजन में दो USB पोर्ट है एंड दोनों ही टेलीविजन में USB 2.0 है, USB 3.0 नहीं है। ऑप्टिकल पोर्ट है, ईयरफोन पोर्ट है, ईथरनेट लैंड पोर्ट है, दोनों में डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है और ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड यहाँ पे व्यू ग्लोलेड टीवी में 5.3 है जबकि Xiaomi की X सीरीज में सिर्फ 5.0 है। बट लेट मी टेल यू, इन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। फार फील्ड माइक आपको सिर्फ Xiaomi की X सीरीज में मिलेगी, व्यू ग्लोलेड में आपको फार फील्ड माइक का सपोर्ट नहीं मिलेगा। पर व्यू ग्लोलेड में एक अच्छी चीज है विच इज अ बेयर बेसिक। बेयर बेसिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं टीवी लेता हूँ ना, आई एम नॉट अ फैन ऑफ फार फील्ड माइक, बट अगर आपको अच्छा लगता है देन यू विल बी हैप्पी विद Xiaomi X सीरीज, बट आई लाइक द बेसिक। सपोज अगर मैं एक टीवी लेता हूँ स्पेशली 55 इंच, मैं उसे मोस्टली माउंट करने की सोचूंगा, और अगर माउंट करने की सोच रहा हूँ तो वॉल माउंट आपको बॉक्स में मिलेगा इंक्लूडेड इन व्यू ग्लोलेड 2025, जो आपको Xiaomi की X सीरीज में नहीं मिलेगा और आपको वॉल माउंट के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे इन Xiaomi X सीरीज, तो वो आपको दिमाग में रखना है। सो प्रेफरेंस आपकी क्या है, आपको वॉल माउंट चाहिए, आपको फार फील्ड माइक्स चाहिए, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए वॉल माउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई इन दिस केस आई वुड से व्यू ग्लोलेड इज कंपैरेटिवली बेटर इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब ऑडियो एंड साउंड की अगर हम बात कर लें, देन ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट कि Xiaomi नॉट जस्ट इन 30 watts इज लाउडर बट इट इज द कंपैरेटिवली बेटर साउंडिंग टीवी। कोई भी डाउट नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे कि ये बेटर है इन टर्म्स ऑफ द साउंड। व्यू ग्लोलेड में 24 वॉट्स के स्पीकर्स हैं, बेस मिसिंग है, ट्रेबल्स और मिड्स ठीक है बट उतने अच्छे नहीं है एज मच एज Xiaomi की X सीरीज, मैं आपको सीधा सीधा बोल देता हूँ यहाँ पे। पर साउंड एक ऐसी चीज़ है ना जो आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, और अगर आपके घर पे एक साउंड बार है देन इट वुड हार्डली मेक अ डिफरेंस कि आप Xiaomi X सीरीज ले या व्यू ग्लोलेड ले। पर साउंड अगेन ऐसी चीज है जो आप बाद में अपडेट कर सकते हैं लेकिन पैनल को नहीं कर सकेंगे, मैं उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। अब दोनों ही में डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट है, डोल्बी एटमस का सपोर्ट दोनों में नहीं है, प्लीज नोट डोल्बी एटमस नहीं है, पर DTS:X का सपोर्ट आपको दोनों ही टेलीविजन में मिलेगा। 2.0 का स्पीकर सेटअप है, आपको दो मास्टर स्पीकर्स मिलेंगे, पर अगेन लेट मी टेल यू Xiaomi X सीरीज इस केस में बाजी मार जाता है बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली बेटर साउंडिंग देन व्यू ग्लोरी 2025। अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन एंड OS की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे दोनों ही टीवीज में आपको 2GB का रैम मिलता है, पर Xiaomi X सीरीज में आपको सिर्फ और सिर्फ 8GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, विच मेरे हिसाब से इज अ किलर ब्लो। व्हाई? नंबर वन, इसमें एंड्रॉयड 14 है,
जो काफी हैवी टीवी ओएस है। नंबर टू, इसमें एंड्रॉइड के ऊपर आपको Xiaomi की खुद की पैच वॉल यूजर इंटरफेस मिलेगी जो और भी ज्यादा हैवी कर देगा ओएस को। और 8GB का इंटरनल स्टोरेज मेरे हिसाब से इज वेरी लो व्हेन यू कंसिडर दीज थिंग्स। 2GB का रैम है और 16GB का स्टोरेज है इन व्यू ग्लोलेड, विच इन माई पर्सनल ओपिनियन इज डेफिनेटली बेटर। 32 होता तो और भी ज्यादा बेटर होता। दोनों ही में 64-bit का प्रोसेसर है, क्वाड कोर, आपको A55 मिलेगा इन Xiaomi की X सीरीज। एंड व्यू ग्लोलेड में दे आर कॉलिंग समथिंग द व्यू ऑन प्रोसेसर। आप इसके बारे में मेरी वीडियो में देखिएगा, व्यू की जो हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो है, मैं उसमें इसके बारे में थोड़ा और ज्यादा डिटेल में बात कर चुका हूँ और मैं बता चुका हूँ कि वाई दिस इज अ बिग डील, बिकॉज AI अपस्केलिंग एंड AI पिक्चर एनहांसमेंट इज वेरी गुड बिकॉज ऑफ दिस न्यू प्रोसेसर। अब गूगल टीवी ओएस तो दोनों में है, एंड्रॉइड बेस्ड है गूगल टीवी ओएस, बट ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको Xiaomi की एक सीरीज में एंड्रॉइड 14 मिलेगा। इट इज वन ऑफ द फ्यू टीवीज इन द इंडियन मार्केट जो आपको एंड्रॉइड 14 देता है इन 2024। व्यू ग्लोलेड टीवी में आपको एंड्रॉइड 12 बेस्ड गूगल टीवी ओएस मिलेगा और मेरे को नहीं लगता है कि इट विल बी अपग्रेडेड टू एंड्रॉइड 14। अगर आपके मन में ये सवाल है तो मैं अभी आंसर कर दे रहा हूँ, इट विल नॉट बी अपडेटेड टू एंड्रॉइड 14, इट विल स्टिक विद एंड्रॉइड 12 क्योंकि ये लाइसेंसिंग वाला इशू भी है। नाउ लेट मी मूव ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी, विच इज द पैनल। अब देखिए दोनों ही टीवीज में आपको डीलेड यानी डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग मिलेगी विद VA पैनल। तीनों साइज यानी 43, 50, 55 इंच में आपको VA पैनल ही मिलेगा, IPS पैनल नहीं मिलेगा। अब ब्राइटनेस की अगर हम बात कर लें, व्यू टीवी हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द टीवीज विच इज रियली ब्राइट इन इट्स सेगमेंट एंड यहां पे वो एक्सेप्शन नहीं है, इट इज डेफिनेटली द ब्राइटर टीवी इन दिस कंपैरिजन। अब Xiaomi की जो टीवीज हैं उनमें कभी भी वो ब्राइटनेस मेंशन नहीं करते हैं, पर उनकी ब्राइटनेस ऑब्वियसली इज नॉट गोना बी एज गुड एज व्यू ग्लोलेड। व्यू ग्लोलेड की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है इन दिस सेगमेंट इन दिस प्राइसिंग। अब कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखिए, अगेन ऐसी चीज है जो व्यू मैं हमेशा बोलता हूं कि दे मिस एडवर्टाइज मेरे हिसाब से। इट इज नॉट 1,000,000:1, VA पैनल है मोस्ट लाइकली 4,000:4,800:1 या 5,000:1 का भी हो सकता है, बट डेफिनेटली इट नॉट गोना बी 1,000,000:1। यहां पे थोड़ी सी मिस एडवर्टाइजिंग करते हैं व्यू इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट रेशियो, और Xiaomi की तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो वो एडवर्टाइज ही नहीं करते तो वो आपको मिलेगा भी नहीं कहीं पे, बट मोस्ट लाइकली इट इज ऑल्सो बिटवीन 4,000:4,500:1। और रही बात ब्राइटनेस की, आई थिंक इट शुड बी अराउंड 300-330 nits की ब्राइटनेस, सो इट्स नॉट गोना बी एज ब्राइट एज व्यू ग्लोलेड, विच मीन्स दैट HDR परफॉर्मेंस विल बी बेटर इन व्यू ग्लोलेड। दोनों ही 4K 60Hz पैनल से, 120Hz का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा लाइक TCL के टीवीज या Acer की सुपर सीरीज जिसमें आपको 2K 120Hz मिलता है, यहाँ पे 2K 120Hz भी नहीं मिलेगा, दे आर प्योर 4K 60Hz पैनल्स। Dolby Vision का सपोर्ट दोनों में है, HDR10 आपको मिलेगा दोनों में, HLG का सपोर्ट मिलेगा आपको, ऑटो लो लेटेंसी मोड भी दोनों ही टेलीविजन में मिलेगा, पर व्यू ग्लोलेड में आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। इसमें इनफैक्ट आपको एक गेम डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें आप वेरिएबल रिफ्रेश रेट, ऑटो लो लेटेंसी मोड, आप क्रॉस हेयर भी आपको मिलेगा यहाँ पे, तो इट इज डेफिनेटली अ टीवी विच इज गियर्ड मोर टूवर्ड्स कैजुअल गेमर्स। और अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हैं यू शुड बी फाइन कनेक्टिंग योर PlayStation 5 या फिर अपनी Xbox Series X और आप बहुत अच्छे तरीके से 4K 60Hz पे गेमिंग कर पाएंगे। गेमिंग की परफॉर्मेंस भी मैंने व्यू ग्लोलेड की अपनी हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो में कवर की है व्हेन आई हैव कंपेयर इट विद Samsung की Vivid Pro, तो आप प्लीज वो वाली वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो गेमिंग के मामले में आई वुड से व्यू ग्लोलेड इज डेफिनेटली बेटर क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिल रहा है विच इज मिसिंग, एंड यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड गेम डैशबोर्ड भी मिल रहा है विच इज मिसिंग ऑन Xiaomi की एक्स सीरीज। फुल एरे लोकल डिमिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है बिकॉज दोनों ही में फॉल्ट नहीं है। लेट मी गेट ऑन टू द प्राइस एंड फाइनली मैं आपको अपनी कंक्लूजन बताता हूँ। देखिए दोनों की प्राइसिंग भी बहुत एकदम बराबरी की ऑलमोस्ट टक्कर है, सिर्फ 1,000 रुपए का डिफरेंस है व्हेन इट कम्स टू 43 and 50 inch। और 55 इंच की अगर हम बात कर लें अभी सेल में तो दोनों ही टीवीज में आपको सेम प्राइस मिलेगा। अब देखिए व्यू ग्लोलेड इज अ फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव, Xiaomi की एक सीरीज आपको सब जगह मिल जाएगी, इनफैक्ट Amazon पे भी मिलेगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगी, ऑफलाइन मार्केट्स में भी मिल जाएंगे आराम से। अब अगर आप मुझे पूछेंगे तो देखिए Xiaomi की एक सीरीज जो है ना वो कुछ कुछ जगह पे मार खा जाती है। नंबर वन, ब्राइटनेस इसका कम है। नंबर टू, इसमें आपको वो गेमिंग फीचर्स नहीं मिलेंगे। नंबर थ्री, विच इन माई पर्सनल ओपिनियन इज द बिगेस्ट ब्लो, इसमें सिर्फ 8GB का इंटरनल स्टोरेज है। सो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स,
आपका HDR परफॉर्मेंस व्यू ग्लोलेड में बेटर होगा बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा ब्राइटनेस। आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर होगा बिकॉज ऑफ दैट गेमिंग डैशबोर्ड एंड वेरिएबल रिफ्रेश रेट। और ओवरऑल फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, मेरे हिसाब से इवन द AI अपस्केलिंग, AI कलर एनहांसमेंट एक्सेट्रा, वो व्यू ग्लोलेड में मेरे हिसाब से बेटर होगा। और मैंने आपको कंपैरिजन तो दिखाई दिया है, वेयर आई हैव कंपेयर्ड इट विद सैमसंग जो करीबन 20-25% और ज्यादा एक्सपेंसिव है देन व्यू ग्लोलेड, पर उसकी परफॉर्मेंस व्यू ग्लोलेड से इनफैक्ट वर्स थी। कोई कोई सीन्स में तो मुझे सैमसंग में बैंडिंग इफेक्ट भी दिख रहा था। मेरा जो वीडियोग्राफर था वो भी बोल रहा था, अरे यार सैमसंग तो इतना गंदा दिख रहा है, व्यू ग्लोलेड इज एक्चुअली लुकिंग बेटर। सो व्यू ग्लोलेड इज अ टीवी विच पंचेस अबव इट्स वेट। और इस कंपैरिजन की क्लियर विनर मैं आज व्यू ग्लोलेड को घोषित करूंगा बिकॉज ऑफ ऑल दोस फैक्टर्स, स्पेशली HDR परफॉर्मेंस जो इसमें और ज्यादा अच्छी होगी बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा ब्राइटनेस। तो आपको क्या लगता है कि इन दो टीवीज में से आप कौन सी लेना पसंद करेंगे? एज फार एज वारंटी गोज, एक साल की वारंटी आपको मिलेगी यहाँ पे। और रही बात Xiaomi की वारंटी, तो Xiaomi में भी आपको एक साल का ही वारंटी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि Xiaomi में आपको एक्स्ट्रा वारंटी मिल रहा है, वारंटी भी सेम है। प्लीज नोट, आपको व्यू ग्लोलेड में वॉल माउंट भी मिलेगा जो आपको Xiaomi में नहीं मिलने वाला है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ऑल थिंग्स कंसिडर्ड आज के इस कंपैरिजन की क्लियर विनर है व्यू ग्लोलेड 2025। मैं इनफैक्ट आपको एक और चीज बता देता हूं कि मुझे Amazon की Flipkart कमीशन की मेंबरशिप मिली है, Amazon की मिली है बट Flipkart की नहीं मिली है। एंड व्यू ग्लोलेड इज अ Flipkart एक्सक्लूसिव। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज मैं आज इस कंपैरिजन में व्यू ग्लोलेड को बोल रहा हूं विनर। सो इट्स बेटर दैट यू बाय व्यू ग्लोलेड। मुझे इस वीडियो में कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज अगर आप Amazon से टीवी लेते हैं तब मुझे फायदा होता। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से हियर। मैं सबसे पहले आपके फायदे के लिए ये वीडियोस बनाता हूं, आपका फायदा होगा, मेरा एनीवेज फायदा हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरी टीवी लेनी है तो उसका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अलॉन्ग विद व्यू ग्लोलेड एंड अलॉन्ग विद Xiaomi X सीरीज। फ्लिपकार्ट से मुझे कुछ नहीं मिलता, हार्डली कोई पैसे मिलते हैं। तो इस वीडियो में हालांकि मैं बोल रहा हूं कि व्यू ग्लोलेड इज द विनर, इट इज बिकॉज इट इज द बेस्ट फॉर यू, नॉट फॉर मी। ऑल राइट, मेरे लिए बेटर होता अगर आप Xiaomi लेते क्योंकि मुझे Amazon की एफिलिएट कमीशन मिलती, पर Xiaomi इज नॉट द टीवी टू गेट। इन दो टीवीज में से व्यू ग्लोलेड इज द बेटर बाय। बट मैं हर एक वीडियो की तरह आपको वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी बता दूंगा। अगर आप थोड़ा और पैसा खर्च कर सकते हैं विच इज ओनली 1000 रुपीज मोर, और अगर आप इनफैक्ट 2000 रुपए कम खर्च करें आपको TCL की ये P71B Pro मिल जाएगी एंड TCL की C61B मिलेगी। दे आर कंपेरेटिवली बेटर देन व्यू ग्लोलेड बिकॉज नंबर वन दे आर क्यूलेट्स, नंबर टू इट इज इवन बेटर फॉर गेमिंग क्योंकि इसमें आपको DLG 120 Hz का गेमिंग सपोर्ट भी मिलता है। इसका साउंड भी कंपेरेटिवली बेटर है। बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि P71B Pro इज नॉट अ क्यूलेट, रेस्ट अश्योर्ड ये क्यूलेट ही है। इसकी लिस्टिंग TCL इंडिया के वेबसाइट पे नहीं है, पर प्लीज चेक आउट P755 Pro विच इज एग्जैक्टली द सेम मॉडल एज P71B Pro, बस मॉडलिंग अलग है, मॉडल नंबर अलग है क्योंकि वो ऑफलाइन भी बेचते हैं ऑनलाइन भी बेचते हैं, और P71B Pro भी ऑफलाइन ऑनलाइन बेचते हैं बट फोकस ज्यादा P71B Pro का ऑनलाइन है। तो आप वो वाला मॉडल चेक कीजिएगा। TCL के इंडियन वेबसाइट पे क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है कि वो एक QLED है, तो P71B Pro भी एक QLED ही है, हालांकि डब्बे में नहीं लिखा है पर इट इज अ QLED। तो दीज आर कंपेरेटिवली सम वर्दी ऑल्टरनेटिव्स, और मेरे हिसाब से आज के इस कंपैरिजन में अगर मैं एक टीवी चुनता तो देयर प्रॉब्ली बी C61B बिकॉज इसमें आप 32GB का इंटरनल स्टोरेज भी मिलता है। तो आपको क्या लगता है इस कंपैरिजन में कौन विनर होना चाहिए था? मेरे हिसाब से व्यू ग्लोलेड है आज के इस वीडियो की क्लियर विनर। अगर आप मेरे से सहमत है प्लीज लेट मी नो, नहीं भी है तो प्लीज लेट मी नो व्हाई। वी कैन ऑलवेज हैव अ हेल्दी चैट विद लव एंड रिस्पेक्ट। अगर आपके कोई सवाल है इन टीवीज को लेकर के प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। और आप मेरे चैनल को दो वे में सपोर्ट कर सकते हैं, एक वे जो फ्री है लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, ये तीन दबा दिएगा ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप उन लिंक्स में से कोई भी टीवी लेंगे मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। अगेन प्लीज नोट, Flipkart की मुझे कमीशन मिलती नहीं है, इट इज चिलर चेंज जो भी है, Amazon की मिलती है। बट प्लीज नोट अगेन आई एम टेलिंग, मैं ये वीडियोस आपके फायदे के लिए बनाता हूं, और आज की इस वीडियो की कंपैरिजन की विनर व्यू ग्लोलेड है जो आपको Flipkart पे ही मिलेगी।
प्लीज गो एंड बाय दैट बिकॉज इसमें आपका भला होगा. इन दिस कंपैरिजन इट इज द बेटर टीवी डेफिनेटली विदाउट अ डाउट. ओके सो यू कैन रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन और चलो हम कमेंट्स में बात करते रहते हैं. पर आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों. इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.